हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सीखेंगे राजस्थानी मशहूर गट्टे बनाने की प्रक्रिया। हाँ दोस्तों, आज हम गट्टे बनाने सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो नई नई रेसिपीज आती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू, वो आपको फटाफट मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले गट्टे बनाने के लिए ले लेंगे बेसन। करीब हम 1 से 1.5 कटोरी बेसन लेंगे। अगर आप लोग इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बेसन इसमें और डाल सकते हैं। तो हमारे गट्टे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया बेसन। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हाँ दोस्तों, हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे ताकि जो बेसन होता है उससे आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। और फिर आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद डालेंगे आप इसमें, अगर आपने 2 कटोरी लिया है तो आप 2 चम्मच मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्च, या फिर अगर आप लोग कम खाते हैं मिर्ची तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच। याद रखिए, आप बेसन की चीज़ बना रहे हैं तो इसमें आप हल्दी नहीं डालेंगे। 2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा खाने का सोडा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे आप, ताकि आपके जो गट्टे हैं, राजस्थानी गट्टे, फूले फूले शानदार से बने और आप लोगों को खाने में मज़ा आए, और जिसे भी आप खिलाएं वो भी आपके खाने की तारीफ करें। इसके बाद आप इसमें 1 या 2 टीस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसे आप टाइट गूँथ लेंगे। हाँ दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ही टाइट गूँथना है। तो दोस्तों, हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब आप देखिए, हमारा जो ये पेस्ट है गट्टे का, ये तैयार हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे टाइट गूँथ लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि हमने जो भी सारा मसाला डाला है इसमें वो अच्छे से मैश हो जाए और एक ही जगह पे ना रहे। इसके लिए आप साइड में क्या करेंगे, इसमें हम फिर पानी डाल के अच्छे से मसाला मिलाने के बाद इसे गूँथ लेंगे। आप हमेशा याद रखिए, इसका जो गट्टे का गूँधा हुआ ये बेसन होगा, ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे गट्टे बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची और टेस्टी बने। तो हम इसे गूँध लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा गट्टे का आटा अच्छे से गूँध के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए इस आटे की छोटी छोटी लोई बनानी है, जिससे हम गट्टे तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये लिया, इसकी लोई बनानी है। तो ये जो आपने ये लोई लिया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो भी बर्तन में आपने आटा गूँधा है उसमें इस तरह से अपने हाथ से लंबा कर लेना है। तो ये जो है, ये आपका गट्टा तैयार हो गया है। तो इसे हम पानी में उबालेंगे। तो साइड में आप जाइए, कोई भी भगोनी लीजिए, कढ़ाई लीजिए, कोई भी बर्तन में पानी उबालने के लिए हम रख देंगे। तो इस तरह से हम गूंधे हुए आटे को छोटा सा तोड़ेंगे, उसे इस तरह से लंबी गोली बनाएंगे, परात में या किसी बर्तन में रखेंगे और उसे अपने हाथ से इस तरह से लंबा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे गट्टे के वो जो पानी में उबालना है उसके साइज तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इस पूरे, तो फ्रेंड्स, ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें हमने जो ये गट्टे के स्लाइसेस बनाए थे, इनका हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। ये हम सारे स्लाइसेस इसमें डाल देंगे, और फिर इस उबलते हुए पानी में हम जो ये स्लाइसेस डालेंगे, इन्हें 1 या 2 मिनट के लिए पकने देंगे। पर आप याद रखें, अच्छे से जब ये पक रहे हों तो इन्हें किसी भी करछी से हिलाते रहें, ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो दोस्तों, हमारे ये जो गट्टे के स्लाइसेस हैं, पक रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे गट्टे उबल गए हैं, ये उबल के फूल गए हैं क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था। अब हम इसे बंद कर देंगे, और उसके बाद अपने गट्टे इस पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे गट्टे रेडी हो गए हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये फूल गए क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, इससे बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगेंगे। तो हम इन सारे गट्टों को एक बर्तन में निकाल लेंगे, और फिर इसे, हाँ तो दोस्तों, हम उसके बाद ये जो हमारे उबले हुए स्लाइसेस हैं बेसन के, इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास झाड़ी है तो ये झाड़ी निकल भी लेती है, तो इससे भी आप काट सकते हैं। और इस तरह से कटने के बाद आप ये देखिए, आपके छोटे छोटे गट्टे के जो पीसेस हैं ये तैयार हैं। अब आपको इनकी सब्जी बनानी है, तो आपके बन जाएंगे शानदार राजस्थानी गट्टे। तो अब चलते हैं हम इसकी सब्जी बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे गीले गट्टे की सब्जी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 चम्मच टीस्पून ऑयल डालना है। ये हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है।
हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग हमने इसमें डाल दिया। अब हम डालेंगे जीरा, एक चम्मच जीरा डालेंगे ताकि कुरकुरा का स्वाद आए जी। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि हम इसमें मसाले को पकाएं। अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ चम्मच धनिया, दो से डेढ़ चम्मच इसमें आप डालेंगे धनिया डाल दें। इसके बाद ये गीले करते हैं तो इसमें हल्दी एक चम्मच डलेगी, ये एक चम्मच हल्दी डाल दी हमने। लाल मिर्च डेढ़ चम्मच और नमक डेढ़ चम्मच। इसके बाद हम मसाले को अच्छे से पकने देंगे ताकि जब मसाला पक जाएगा तो उसके बाद कच्चा मसाला मुंह में नहीं आएगा, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। कुछ लोग दही डालते हैं गट्टे में, तो आप चाहें तो इसमें एक चम्मच दही भी डाल सकते हैं, पर हम लोग ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना चाहते गट्टे को, इसीलिए हम इसमें दही इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब इस मसाले को हम 2 मिनट पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला पक गया है, सब्ज़ी में तरी आ गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से कटी हुई हरी मिर्च के पीसेस डाल देंगे जो हमारी सब्ज़ी को स्पाइसी और कुरकुरा बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें जितना हमें पानी डालना है सब्ज़ी में उतना पानी इंक्लूड कर देंगे। ये देखिए हमें इतना पानी इसमें डालना है डेढ़ चम्मच मसाले के हिसाब से, और इस पानी को 2 मिनट उबलने देंगे, फिर हम इसमें हमारे गट्टे के स्लाइसेस डालेंगे। तो ये हमारा पानी अभी उबल रहा है, इसे 2 मिनट के लिए उबलने दें, फिर इसमें गट्टे के स्लाइसेस डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जी का पानी वो अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें जो हमारे गट्टे के स्लाइसेस थे वो डाल देंगे, थोड़ा दूर से डालेंगे। ये हमारे स्लाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं जो गट्टे के स्लाइसेस हैं, और इसे डालने के बाद जो हमारी गैस की आँच है उसे हम कम कर लेंगे, और इसमें हमारे गट्टे, ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें हमारे सारे गट्टे डाल दिए हैं। और फिर वापस से गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे, और इसके बाद एक बार चम्मच से हिलाएंगे और इसे 2 मिनट और उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट बाद हमारे गट्टे की झोलदार रसेदार सब्जी, शानदार सब्जी तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे और उसके बाद खाएंगे लच्छेदार पराठों से, बाटी से, चपाती से, बाफलों से, और इंजॉय करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी गट्टे की सब्जी, राजस्थानी मशहूर गट्टे की गीली सब्जी तैयार है। तो इंजॉय कीजिए और टेक केयर कीजिए अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे राजस्थानी बाफले और राजस्थानी बाटी बनाना, जो राजस्थान की मशहूर डिश है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें राजस्थानी मशहूर डिश बाटी बनाना। इसके लिए हमें सबसे पहले घर में जो हमारे डेली में उपलब्ध रहता है वो हमें आटा चाहिए। ये हम ले लेंगे प्लेन आटा। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है बाफले बनाने में या बाटी बनाने में जो राजस्थान की है वो मशहूर चीज़ होती है सौंफ। हाँ दोस्तों, सौंफ खाने को पचाने में तो ईजी होती ही है, उसके अलावा ये आपके खाने के टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। हम इसमें डालेंगे कम से कम 2 बड़ी चम्मच टीस्पून सौंफ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ये हमारी मसाला बाटी और बाफला है तो इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। तो इसमें हम डालेंगे, अगर आपके पास 4 कटोरी आटा है, जैसे हमने 4 कटोरी आटा लिया है, तो आप डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च से टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। तो हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी। 4 कटोरी आटे में 1 चम्मच हल्दी डलेगी दोस्तों। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक, नमक भी हम इसमें, अगर 4 कटोरी आटा है तो हम 3 चम्मच नमक डाल देंगे। ये हमने 3 चम्मच नमक डाल दिया इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। ये देखिए, ये धनिया पाउडर हुआ है 1 स्पून, हम इसमें इतना ही धनिया पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा जीरा इंक्लूड करेंगे। वैसे हमने सूप डाल दिया तो जीरे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा बिल्कुल 1 या 2 चुटकी जीरा इंक्लूड कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर और डालेंगे, और फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े टीस्पून ऑयल। इससे क्या होगा, हमारे जो बाफले हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। बस दोस्तों, अब हमें इसके बाद इसे क्या करना है, इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों हम इसे पानी डाल के अच्छे से भून लेंगे।
और इसे हम बिल्कुल टाइट आटा गूंदेंगे, जैसा हम पूड़ी का आटा गूंदें उससे भी ये थोड़ा टाइट आटा होगा, क्योंकि हमने जो इसमें ऑयल डाला है वो इसको नरम बना देगी हमारी बाटी को, बाफले को। और साइड में हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी चढ़ा देंगे गैस पे, चाहे वो कढ़ाई हो, भगोनी हो, जिस भी बर्तन में आप पानी चढ़ाएं उसे गर्म करने के लिए रख देंगे और इस आटे को अच्छे से गूंद देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बाटी का बाफले का आटा तैयार है। तो ये हमारे हो गए मसाला बाटी, राजस्थानी प्रसिद्ध बाफले और बाटी, तीनों चीज़ों का आटा तैयार है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लेंगे और बाटी या बाफले का लोया बनाएंगे। राजस्थान के जो बाटी और बाफले होते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए हम लोया थोड़ा बड़ा लेंगे, उसे अच्छे से मैश कर लेंगे और ये हमारी बाटी का लोया तैयार है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सॉफ्ट करने के लिए पानी में बॉईल करेंगे। तो हम गर्म पानी जो हमने चढ़ाया है गर्म होने के लिए, उसमें हम इस जो हमारा लोया तैयार है इसमें एक फिंगरप्रिंट्स कर देंगे, ताकि जब हम पानी में डालेंगे तो इसमें से पानी अंदर जाके और अच्छे से हमारे पूरे लोहे को पका दे। ठीक है, तो ऐसे ही हम और लोहे तैयार कर लेंगे। ये हमारे बाफले और बाटी के जो लोहे तैयार हैं, इसे हम बॉयल वाटर करने जो हमने रखा था, एक कढ़ाई में जो हमने बॉयल वाटर किया उसके अंदर डाल देंगे। इससे जो हमारे बाफले होंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बहुत शानदार बनेंगे। राजस्थानी बाफले बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्हें आप गर्म पानी में बॉईल कर दीजिए। इस तरह से आप इसे डालने के बाद इसे झाड़ी से अच्छे से हिला दें, ताकि जो बाफले हैं ये पानी में चिपके नहीं और नीचे से ऊपर से सब तरफ से अच्छे से ये सिक जाएँ। तो हर तरफ से आप इन्हें हिलाइए, ताकि जो लोहे हैं जो मोटे हैं ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट के बाद जब अच्छे से हमारे बाफले के लोहे बॉईल हो गए, उसके बाद ये ऊपर आ गए। अब हमें इसे क्या करना है, ये पके हुए बाफले के जो लोहे हैं इन्हें निकाल लेना है एक बर्तन में, और निकालने के बाद 2 मिनट तक पंखे की हवा में सूखने के लिए रख देना है, फिर बाफले को या बाटी को हम सेकेंगे। ठीक है, बाफला सेकने का तरीका, सबसे पहले हम एक ओवन लेंगे, उसको 2 मिनट के लिए गैस पे खाली चढ़ा देंगे, सिम आँच पे। अच्छे से याद रहे, सिम आँच पे, खाली गैस पे सिम आँच पे हम ओवन को 2 मिनट के लिए चढ़ा देंगे। अब 2 मिनट बाद हम इसे उखाड़ेंगे, हमारा ओवन गर्म हो चुका है। इसमें हमने जो ये बाटी के लोहे बनाए थे जिन्हें हमने सुखा दिया, इनको अच्छे से जमा देंगे। गैस की आँच सिम रहने देनी है, अच्छे से याद रखें गैस की आँच को सिम ही रखना है। और ये हमने इसको जमा दिया है सारी बाटियों को, और इसके बाद हम इसे ओवन के ढक्कन से ढक देंगे। ये देखिए हमने ओवन के ढक्कन से इसको ढक दिया है, इसे हम 2 मिनट के लिए ढके रहने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे वापस से उगाड़ेंगे और बाटियों को पलट देंगे। अच्छे से याद रखें हमारे गैस की जो आँच है वो बिल्कुल सिम पे रखी है हमने गैस, ताकि हमारी बाटी जल ना जाए। ऐसे ही प्रोसेस आप 5 से 6 बार करें। हम वापस से ओवन को उखाड़ेंगे और हमारी बाटियों को उलट देंगे। ये देखिए हमारी बाटी हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है, मतलब ये सिकने लग गई है। ये हल्की हल्की ब्राउन बाटी हो रही है, मतलब ये सिक रही है। ऐसा हमने 5 से 6 बार किया है, हमने हमारे धीमी आँच पर रखे हुए ओवन के अंदर की बाटी को 3-4 बार पलटा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारी जब बाटी लाल लाल हो गई है तो इसके बाद हम गैस की आँच को फुल कर देंगे। गैस की आँच को फुल करने के बाद हम बाटी को चेक करेंगे। तो दोस्तों गैस की आँच को फुल करने के बाद हम देखेंगे, वाह ये हमारी बाटी अच्छे से सिक के तैयार है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। तो इसे हम एक बार वापस से पलटेंगे, देखेंगे दोनों तरफ से सिक गई है। हाँ ये हमारी बाटी अच्छे से बाफला है हमारा रेडी है। अब हमारी सिकी हुई कुरकुरी बाटी को एक कपड़े के सहारे से हम उठाएंगे और ओवन से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से निकाल लिया। इसके बाद हम इस बाफले को अच्छे से कपड़े के सहारे से मैश कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसे घी में डालेंगे। अब दोस्तों हम हमारे इस बाफले को घी में डाल देंगे, घी के बर्तन में। जितना अच्छा घी होगा उतना ही अच्छा हमारे बाफले का बाटी का स्वाद आएगा। इसे हम अच्छे से घी में डुबो देंगे और ये जो खाली जगह है इसको हम बीच में से खोल के इसमें 1 या 2 चम्मच गाय का घी डालेंगे। गाय का घी फैट फ्री होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और टेस्टी भी होता है। अब इसे हम निकालेंगे और एक बर्तन में अपने बाफले को डाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे बाफले रेडी हैं। अब हम इसे गट्टे की सब्जी के साथ, दाल के साथ, चटनी के साथ खाएंगे,
लोगों को खिलाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो अब हम आपको थाली जमा के दिखाते हैं, तब तक आप बनाइए बाफले, खिलाइए, खाइए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए। टेक केयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सीखेंगे राजस्थानी मशहूर गट्टे बनाने की प्रक्रिया। हाँ दोस्तों, आज हम गट्टे बनाने सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो नई नई रेसिपीज़ आती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू वो आपको फटाफट मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले गट्टे बनाने के लिए ले लेंगे बेसन। करीब हम 1 से 1.5 कटोरी बेसन लेंगे। अगर आप लोग इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बेसन इसमें और डाल सकते हैं। तो हमारे गट्टे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया बेसन। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हाँ दोस्तों, हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे ताकि जो बेसन होता है उससे आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। और फिर आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद डालेंगे आप इसमें, अगर आपने 2 कटोरी लिया है तो आप 2 चम्मच मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्च, या फिर अगर आप लोग कम खाते हैं मिर्ची तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच। याद रखिए, आप बेसन की चीज़ बना रहे हैं तो इसमें आप हल्दी नहीं डालेंगे। 2 चम्मच नमक, और थोड़ा सा खाने का सोडा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे आप, ताकि आपके जो गट्टे हैं राजस्थानी गट्टे फूले फूले शानदार से बने और आप लोगों को खाने में मज़ा आए, और जिसे भी आप खिलाएं वो भी आपके खाने की तारीफ करें। इसके बाद आप इसमें 1 या 2 टीस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसे आप टाइट गूँथ लेंगे। हाँ दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ही टाइट गूँथना है। तो दोस्तों, हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब आप देखिए, हमारा जो ये पेस्ट है गट्टे का, ये तैयार हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे टाइट गूँथ लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि हमने जो भी सारा मसाला डाला है इसमें वो अच्छे से मैश हो जाए और एक ही जगह पे ना रहे। इसके लिए आप साइड में क्या करेंगे, इसमें हम फिर पानी डाल के अच्छे से मसाला मिलाने के बाद इसे गूँध लेंगे। आप हमेशा याद रखिए, इसका जो गट्टे का गूँधा हुआ ये बेसन होगा, ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे गट्टे बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची और टेस्टी बने। तो हम इसे गूँध लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा गट्टे का आटा अच्छे से भून के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए इस आटे की छोटी छोटी लोई बनानी है, जिससे हम गट्टे तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये लिया, इसकी लोई बनानी है। तो ये जो आपने ये लोई लिया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो भी बर्तन में आपने आटा गूंधा है उसमें इस तरह से अपने हाथ से लंबा कर लेना है। तो ये जो है, ये आपका गट्टा तैयार हो गया है। तो इसे हम पानी में उबालेंगे। तो साइड में आप जाइए, कोई भी भगोनी लीजिए, कढ़ाई लीजिए, कोई भी बर्तन में पानी उबालने के लिए हम रख देंगे। तो इस तरह से हम गूंधे हुए आटे को छोटा सा तोड़ेंगे, उसे एक तरह से लंबी गोली बनाएंगे, परात में या किसी बर्तन में रखेंगे और उसे अपने हाथ से इस तरह से लंबा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे गट्टे के वो जो पानी में उबालना है उसके साइज तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इस पूरे, तो फ्रेंड्स, ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें हमने जो ये गट्टे के स्लाइसेस बनाए थे, इनका हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। ये हम सारे स्लाइसेस इसमें डाल देंगे, और फिर इस उबलते हुए पानी में हम जो ये स्लाइसेस डालेंगे, इन्हें 1 या 2 मिनट के लिए पकने देंगे। पर आप याद रखें अच्छे से, जब ये पक रहे हों तो इन्हें किसी भी करछी से हिलाते रहें, ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो दोस्तों, हमारे ये जो गट्टे के स्लाइसेस हैं पक रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे गट्टे उबल गए, ये उबल के फूल गए हैं क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था। अब हम इसे बंद कर देंगे, उसके बाद अपने गट्टे इस पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे गट्टे रेडी हो गए हैं। इसे हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये फूल गए क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, इससे बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगेंगे। तो हम इन सारे गट्टों को एक बर्तन में निकाल लेंगे, और फिर इसे, हाँ तो दोस्तों, हम उसके बाद ये जो हमारे उबले हुए स्लाइसेस हैं बेसन के, इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास झारी है तो ये झारी निकल भी लेती है, तो इससे भी आप काट सकते हैं।
और इस तरह से कटने के बाद आप ये देखिए आपके छोटे छोटे गट्टे के जो पीसेस है ये तैयार हैं। अब आपको इनकी सब्जी बनानी है, तो आपके बन जाएंगे शानदार राजस्थानी गट्टे। तो अब चलते हैं हम इसकी सब्जी बनाने के लिए। चलिए, हाँ तो दोस्तों अब हम बनाएंगे सूखे गट्टे की सब्जी। इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई चाहिए, उसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। सूखे जब आप गट्टे की सब्जी बनाएंगे तो ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, ताकि हमारे जो गट्टे हैं वो चिपके नहीं और टेस्टी बने। मतलब कि आप 2 या 3 स्पून डाल दीजिए टीस्पून के हिसाब से। अब इसमें हम डालेंगे हींग का तड़का। ये हींग डाल दिए इसमें, इसमें हम डालेंगे जीरा। ये देखिए हमारे हींग और जीरा पक रहे हैं। जब जीरा ब्राउन हो जाएगा उसका मतलब है कि आपका जीरा रेडी है। अब आप इसमें सूखे गट्टे डाल सकते हैं। इसको आप एक बार चम्मच से हिला दीजिए, ताकि आपका जो जीरा है वो जल्दी से सिक जाए और ब्राउन कलर का हो जाए। ये देखिए हमारा जीरा जो है ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जो गट्टे के पीसेस हमने करे हैं वो इसमें डाल देंगे। आँच कम कर देंगे ताकि हमारा जीरा जले नहीं। तो ये जो हमारे गट्टे के स्लाइसेस हमने बनाए थे वो इसमें डाल देंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक मिर्ची। सबसे पहले 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। भूनते समय नहीं डाली थी तो अभी 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच मिर्ची, और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक। बस अब हमारे गट्टे तैयार हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा धनिया और डाल दीजिए ताकि स्वाद बढ़ा देगा। और इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेना। ये हमारे राजस्थानी सूखे गट्टे। गीले गट्टे आपने दो चार खाए होंगे, तो ये सूखे गट्टे जो है राजस्थान की स्पेशल डिश है। इसे हम हिला लेंगे। ये अच्छे से हमने गट्टे को हिला लिए और ये हमारे सूखे गट्टे की सब्जी तैयार है। इसे हम डालेंगे और सर्व करेंगे। तो चलिए अब इसे खाते हैं किसी अच्छी टेस्टी सी बाटी के साथ, या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आटे के लड्डू बनाना। ये राजस्थान की बहुत ही मशहूर डिश है, घर में बन जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। तो हम सबसे पहले इसके लिए लेंगे आटा, उसमें डालेंगे 1 इलायची, उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। हाँ दोस्तों, ये घी से हमारा लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा हो जाएगा। हम इसमें बस 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर इसके बाद पानी से इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। कुछ भी सामान नहीं लगाया हमारा, लगा है बस घी, लगा है थोड़ा सा आटा और 1 इलायची। इसे हम पानी से अच्छे से गूंथ लेंगे और ये जो हमारा आटा होगा गूंथा हुआ, ये बहुत टाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आटा गूंथ के तैयार है, लड्डू का आटा। अब इसके हमें क्या करनी है, छोटी छोटी लोइयां बनानी है। ये देखिए हम इसे निकाल के छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब इन छोटी छोटी लोइयों को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन छोटी छोटी लोइयों को बनाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। जैसे आप लोग पूड़ी बेलते हैं वैसे ही इसे बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूड़ी बनके तैयार है। अब हम इसे घी में तल लेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में गरम गरम घी चढ़ा देते हैं। अब हम इसे गरम घी की कढ़ाई में जो हमने पूड़ी बनाई है इसे तल लेंगे। घी में हम इसे तलेंगे। ये देखिए ये अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। इसके बाद हम इसे पलट देंगे, घी की आँच तेज कर देंगे और ये हमारे रोट तैयार हैं। ये हमारे रोट, आटे के लड्डू दोनों तरह की चीज़ें तैयार हैं। अगर आप इसे ऐसे ही खाते हैं तो ये रोट है, पर अगर हम इसे आगे का जो प्रोसेस करते हैं तो इससे आपके लड्डू बन जाएंगे, पर ये आपका रोट बन गया। क्या करेंगे, इसे हम कढ़ाई से निकालेंगे और निकाल के ठंडा होने रख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे निकाल के 2-5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रोट बनके तैयार है। इसे आप अच्छे से किसी भी सब्जी के साथ खाइए, लोगों को सर्व कीजिए और बहुत सारी बढ़ाई लीजिए। देसी घी का रोट जो आपको करे सेहतमंद और खुश। तो ये रोट हमारा तैयार है। अब दोस्तों अब हम इसको लड्डू बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने रोट बनाया है देसी घी में आटा तल के, उसे हम रोट कर दें। इस रोट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये देखिए इसका हम अच्छे से चूरा कर लेंगे। अपने हाथ से जितना मैश हो सकता है उतना मैश कर देंगे। ये इतना सॉफ्ट होता है कि एक बार में ही आपके हाथ से ही मैश हो जाएगा। ये हमने इसके टुकड़े कर लिए। फिर भी हमारा जो लड्डू होगा वो कुरकुरा, सॉफ्ट और क्रिस्पी होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं,
ये हमारे पास मिक्सी का जार है। हमने जो ये रोटी के टुकड़े किए हैं, रोट के जो टुकड़े किए हैं, इसे हम इस जार में डाल देंगे और अच्छे से मिक्सी में इसे 1 या 2 सेकंड के लिए चला लेंगे। तो अब हम चलते हैं मिक्सी में इसे चलाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे। हम देख रहे हैं शुगर फ्री आटे के लड्डू बनाने का तरीका। डायबिटीज वाले लोगों के लिए जो आराम से वो खा सकते हैं, वो आटे के लड्डू जो घर में ही तैयार हो जाते हैं, कोई नुकसान नहीं करते, शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इस बूरे में हम डालेंगे शुगर फ्री पाउडर। ये शुगर फ्री पाउडर बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। इसे मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा इसमें आप पानी लेंगे हाथों में अपने, ये आप हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे, बिल्कुल थोड़ा लेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो घी भी ले सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये जो हमारे पास तैयार है इसके हम लड्डू बनाएंगे। इनके लड्डू इजीली बन जाएंगे क्योंकि इसमें आपने घी डाला है। पर अगर बाय चांस आपसे ये लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूध इंक्लूड कर लीजिए और ये आपके गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारे प्यारे लड्डू तैयार हैं। इन्हें आप रखिए, सर्व कीजिए, लोगों से बधाई लीजिए। थैंक यू सो मच। खाना तैयार है, अब हम जमाएंगे राजस्थानी थाली। राजस्थानी थाली में सबसे पहले आएंगे हमारे गीले गट्टे की झोलदार सब्जी। ये हो गई गीले गट्टे की झोलदार सब्जी। फिर इसमें हम रखेंगे सबसे फेवरेट मीठा लड्डू, जो हमने आटे का लड्डू बनाया था वो लड्डू है ये। उसके बाद हम इसमें सर्व करेंगे रोट का एक पीस रोट, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम इसमें रखेंगे सूखे गट्टे की सब्जी। हाँ दोस्तों, इसमें हम डालेंगे थोड़े से सूखे गट्टे, जिसकी सब्जी बहुत ही कुरकुरी टेस्टी होती है। सूखे गट्टे रखेंगे, एक पीस लड्डू और रखेंगे और उसके बाद हम इसमें रख देंगे अपने लाडा बाफले जो हमने बनाए हैं शानदार तरीके से। ये हैं कुरकुरे और टेस्टी बाफले। बस दोस्तों, अब इसमें आप थोड़ी सी धनिया की चटनी अगर इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। सर्व कीजिए, खाइए, खिलाइए, इंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।